बड़ोदरा के समायप्पा मंदिर पर वार्षिक उत्सव का सुंदर आयोजन करवाया गया था, जिसके तहत शोभा यात्रा भी निकाली गई थी, जिसमें केरल समुदाय के लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए थे। में मौजूद समायप्पा मंदिर हर साल वार्षिक उत्सव का आयोजन करवाता है, तब इस साल भी समायप्पा मंदिर पर वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ था। 16 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था, तब कल इस वार्षिक उत्सव का के चलते अभिलाषा चौराहे से शोभा यात्रा निकलवाई गई थी, जिसके तहत अय्यप्पा भगवान को हाथी पर विराजमान करवाया गया था। इसके साथ ही शोभा यात्रा में केरल समुदाय की महिलाएं पारंपरिक वस्त्र धारण कर हाथ में दिए लिए जुड़ी थी, तो वहीं केरल बैंड के 30 से ज्यादा कलाकारों की ओर से सुंदर प्रस्तुतियां भी पेश की गई थी। इस बारे में अय्यप्पा ट्रस्ट के प्रमुख मोहन नायर ने ज्यादा जानकारी भी दी। अय्यप्पा मंदिर में हमारा एनुअल फंक्शन से यानी आर्य उत्सव कहवाई ये 16 तारीख से चालू है, 16 तारीख से 26 तारीख सुधी अने एमा वे हमें बहुत कल्चरल एक्टिविटीज कर भजन डांस म्यूजिकल नाइट અને કથકલી પણ કર્યા એટલે બહુ પ્રોબ્લેમ આજે અમારો છેલ્લો દિવસ છે એટલે અમારા મંદિરનું ઉત્સવનું પ્રોસેસન છે આજે પ્રોસેસનમાં તમે જોઈ શકાય તમે જોયું તો હાથી છે અને અમારા કેરળનું જે કલ્ચરનું જે બેન્ડ છે કેરળ બેન્ડ એ અને અમારે અહીંથી બરોડાના છોકરાઓ શીખેલું સિંગારી મેળો એ તમે છોકરાઓ દેખાય છે એ બરોડા આપણા છોકરાઓ છે અને લેડીઝ પ્લેટમાં દીવો લઈને 150 એક લેડીઝ કેરલા ડ્રેસમાં આજે પાર્ટિસિપેટ કરે છે એ અમારું આજ એવરી યર આ 25મી તારીખ અમારે આ પ્રોસેસ હોય છે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।